बैक टू माई चैनल कैरी वॉकर एंड आज हम लोग लोकल कूर्क एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ पे जितना प्लेसेस है फिलहाल कुछ वुडपेकर स्टेट से मेरा एक फ्रेंड बन गया है, फ्रेंड कम गाइड है, तो वो मुझे पूरा यहाँ का लोकल है तो वो घुमाने वाले हैं। थोड़ा बहुत हम लोग वो घूम कर आएंगे, उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी लाइक मध्यकरी टाउन में, देन वहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, फिर हम लोग स्कूटी वापस करेंगे एंड देन आई रिटर्न बैक टू बैंगलोर। तो फुल जर्नी, पूरी जर्नी मेरी आप इस वीडियो में देख सकते हैं, आज का दिन मेरा कैसा निकल रहा है और कितना कितना एक्सपेंस लग रहा है वो धीरे धीरे आपको वीडियो में पता लगता रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड। दिस इज़ लाइक अ डैम और अ रिजर्वायर, मेरे बिल्कुल एस्टेट के पास ही है, मतलब रास्ते में ही है, तो मेरा मन किया रुक के देखने का इसलिए मैं आ गई। बह रहा है, मेरी स्कूटी वहाँ पे खड़ी है जो आज मेरे को वापस करनी है। गाइस फाइनली कूर्ग में गोलगप्पे मिल ही गए और आज लास्ट डे मिले हैं मेरे को कूर्ग में गोलगप्पे, और अभी मैं खा रही हूँ। भैया अभी नए नए आए हैं, मेरे से मैंने पूछा अभी फॉल्स कितना, जो कहते हैं मैं अभी 2-3 दिन पहले ही आया हूँ, और देखो खाली डोना लेके खड़ी हुई हूँ। एक कभी जल्दी से दे दो, भूख लग रही है बहुत तेज़। कम टू एबी फॉल्स, फाइनली प्लान कर करके कि हाँ अभी नहीं अभी हाँ, ये सब कर करके हम लोग पहुँच ही गए एबी फॉल्स। पेट्रोल स्कूटी में है नहीं लेकिन फिर भी आ गए हैं, अभी टिकट काउंटर से टिकट लेंगे, पैसे खुले हैं नहीं मेरे पास, देखते हैं टिकट का क्या सीन होने वाला है, अभी फिर देखेंगे उसके बाद प्रॉब्लम होगा। अभी तो चलते ये रहा एंट्री गेट, पैसे लेके ही मानी उसने मुझसे सिक्के ले लिए, वैसे यहाँ पे कहीं पे भी सिक्के एक्सेप्ट नहीं होते हैं, लेकिन उसने मुझसे 10 रुपये के सिक्के ले लिए। एबी फॉल्स के लिए 10 रुपये की टिकट लगती है, और अभी इसकी एंट्री ऐसी कुछ है, सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ हैं। भाई इंसेक्ट्स की इतनी आवाज़ आ रही है ना यहाँ पे, मैं तो मतलब पागल हो गई हूँ अब इंसेक्ट्स को देख सुन सुन के ऐसे लग रहा है आदत ही हो गई है इस आवाज़ की। पूरी रात सोने नहीं दिया था मेरे को, पता नहीं चाहिए, बट टूरिस्ट पॉइंट से ज़्यादा ये मुझे कपल्स पॉइंट लग रहा है, हर जगह कपल ही कपल बैठा हुआ है सीढ़ियों में, सारे कपल्स हैं भाई। बस जैसे जैसे पास जा रहे हैं वाटरफॉल की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज सुनाई दे रही है, मतलब बढ़ते बढ़ते कानों में आवाज़ बढ़े जा रही है, और सामने शायद वाटरफॉल भी आ गया है मेरे। वेलकम टू एबी फॉल्स, फाइनली दूर से ही देख सकते हैं वाटरफॉल का भाव इतना तेज़ है, आप देख रहे हो पीछे बहुत बड़ा है यार, बहुत मेस्मराइजिंग है, मतलब बहुत प्यारा है नो डाउट। काश मैं इसमें जा पाती और नहा लेती, मज़ा ही आ जाता फिर। एबी फॉल्स इतना टाइम लग गया, मतलब आई वॉज प्लानिंग फ्रॉम लास्ट 2 डेज एंड फाइनली ये नीचे है। पानी की आवाज़ भी बहुत तेज़ है, पानी का पाव भी बहुत तेज़ है, मन कर रहा है बाहर नीचे जाके डुबकी मार लूँ, बट इतने बड़े बड़े रैलिंग लगे हुए हैं यहाँ पे, देखो यहाँ से ना नीचे जा सकते हैं ना पानी में कूद सकते हैं, बट मेरे को नहीं पता आपको मेरी आवाज़ आ भी रही है नहीं आ रही है, बट बहुत प्यारा वाटरफॉल है। पहले बना होगा ये अभी टूट गया है, इसी कितना गंदा वाला टूटा है ना, कितना रिस्की है। गाइस हमने एग्जिट ले लिया है, फाइनली ऊपर आ गई हूँ, मैंने बैकपैक कैरी कर रखा है तो लोगों को लग रहा है पता नहीं इसे क्या घूरे जा रहे हैं, लोग ट्रैवल नहीं करते क्या सोलो, ऐसा लग रहा था मेरे को, बट ठीक है लोगों का काम है घूरना तो घूर लो भाई, मेरे को तो खुशी मिल रही है, मैं तो मस्त ट्रैवल कर रही हूँ। देखो मेरी स्कूटी लवारिस खड़ी है, बाकी सबकी इधर है मेरी। गाइस बारिश का मौसम हो गया है अगेन, बहुत तेज़ बारिश आने वाली है शायद,
फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं ओमकारेश्वर टेम्पल और यहाँ से मैं एंट्री कर रही हूँ। थोड़ा रास्ता कन्फ्यूजिंग हो गया था बिकॉज एक हाथ छोड़ के स्कूटी चलानी पड़ रही थी, मैप्स एक हाथ में था, एक हाथ में मतलब एक हाथ में फ़ोन था और एक हाथ से स्कूटी पकड़ रखी थी, तो काफ़ी ज़्यादा टर्न्स वगैरह गलत हो गए थे। फिलहाल अभी 5 बज रहे हैं, इसके बाद हम जाएंगे राजा सेट, पहले अंदर चलते हैं देखते हैं यहाँ पे क्या है। वैसे इसका पार्किंग है, मैंने अपना स्कूटी फिर से यहाँ पे लगा दिया है ऐसी। अभी हम लोग आ रहे हैं अंदर। वैसे यहाँ के दर्शन एंड सेवा टाइमिंग्स मेंशन है, तो 5 बजे के बाद ही खुलता है ये इवनिंग में, तो और मॉर्निंग में 6:30 AM to 12 noon खुलता है। यहाँ से फ्लावर्स भी ले सकते हैं। गाइस ड्रेस अलाउड नहीं है, मैंने शॉर्ट्स पहने हुए हैं, तो दी ने बोला कि आपको लुंगी पहन के मतलब इनका जो साड़ी वाला कपड़ा होता है वो पहनाएंगे, देन मेरे को अंदर जाना होगा। सो गाइस हम लोग एंट्री ले रहे हैं, 20 rupees का लुंगी मेरे को पहना दिया गया है एंड मेरे को लुंगी पहन के यहाँ पे जाना पड़ रहा है बिकॉज यहाँ का ड्रेस अलाउड नहीं है। सी यहाँ पे मेंशन है कि ये ड्रेसेस अलाउड नहीं है। एंड अभी चलते हैं, यहाँ पे एक सरोवर है पानी का। फिलहाल अंदर चलते हैं, पहले दर्शन वर्शन कर लेते हैं और फोटोज़ के लिए बोल देती हूँ किसी को अगर कोई क्लिक कर देता है तो। काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए एंड अच्छा लग रहा था, बहुत पीसफुल है ओमकारेश्वर टेम्पल। तो मैं सबको सजेस्ट करूँगी अगर आप गुरुद्वार गए तो यहाँ पे ज़रूर आना, इतना पीसफुल मेरे को अभी तक कोई प्लेस नहीं लगा टेम्पल्स में, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। एंड ऊपर से लाइक जो मिड्स ऑफ नेचर होता है ना, बहुत लाइक पीस महसूस हो रहा है, इतनी शांति है, सामने सरोवर है, तो बहुत प्यारा लग रहा है। काफ़ी सही लोकेशन है एंड टेंपल भी बहुत अच्छा है एंड महादेव का है, तो बहुत अच्छा लग रहा था दर्शन करके। अभी फ़िलहाल मेरे को ये टेंशन हो रहा है, मेरे पास खुले पैसे नहीं है, लूँगी तो मैंने पहन लिया बट खुले पैसों का क्या करने वाली हूँ मुझे नहीं आइडिया। मैं तो बाहर निकल रही थी बट जहाँ पे जैसे दिन से मैंने लूँगी बनवाया था उन्होंने मेरे को बोला अंजनी महादेव के टेंपल पे विज़िट करो, लेफ्ट साइड में है, तो अभी मैं वो विज़िट करने जा रही हूँ। गाइस हमें यहाँ से एग्ज़िट करना है, मतलब ये श्री ओमकारेश्वर टेंपल का बोर्ड है बट यहाँ से हम लोग जब टेंपल में एग्ज़िट कर रहे थे तो ये अंजनी महादेव का टेंपल है हनुमान जी का। अभी हम लोग यहाँ पे दर्शन के लिए जा रहे हैं। ओमकारेश्वर टेम्पल से हम लोग आ गए हैं राजा सी गार्डन एंड ये बस 5 मिनट की दूरी पे ही था, बहुत जल्दी आ गए। बहुत लोकल में छोटे थोड़े से प्लेसेस हैं, ये रहा, अभी इनमें से ही मैं किसी से बोलने वाली हूँ कि मेरा एक फ़ोटो खींच दो बिकॉज मेरे को भी तो खिंचवाना है। ये रहा पार्क एंट्रिंग, अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं पार्क में। ये क्या है? अच्छा एडवेंचर एक्टिविटी के लिए देयर इज़ अनदर काउंटर, आप लोग परचेज कर सकते हो यहाँ पे टिकट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हो पूरी। ज़िपलाइनिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, ठीक है, एंड आई गेस वो जो जंपिंग वाला होता है मैं नाम भूल जाती हूँ हमेशा, वो भी है, ट्रैम्पोलिन टाइप्स एंड टायर वाला भी एक्टिविटी है, तो काफ़ी सब कुछ है, वो भी आप लोग एक्टिविटी कर सकते हो, मेरा तो कोई मन नहीं है। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं वे टू व्यू पॉइंट, जो मेरा काम है व्यू पॉइंट देखना, सबसे मेजर टास्क, हम लोग वहीं जाते हैं सबसे पहले। ये रहा वे टू दी व्यू पॉइंट। खुशबू आ रही है बहुत ज़्यादा, लाइक प्लांट्स की एंड फ्लावर्स की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत सही लग रहा है।
आई गेस बहुत तेज़ वाली बारिश आने वाली है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों, बट आने वाली है, बहुत तेज़ आएगी। मौसम बहुत वैसे ही हो रहा है, इवन बिजली भी कड़क रही है गाइस। मेरे को डर लग रहा है मैं कैसे जाऊँगी। अभी हम लोग जाते हैं नीचे जो फुल्ली ऑक्यूपाइड है। गाइस ये जगह सिर्फ और सिर्फ व्यू पॉइंट के लिए फेमस है, बट इससे अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट हम लोग देख के आ चुके हैं, तो ये कुछ भी नहीं है उसके सामने। बट हाँ, वेदर बहुत प्यारा हो रहा है, वेदर इसको लवली, बहुत प्यारा वेदर है भाई। हवा इतनी मस्त चल रही है, बहुत सही हवा चल रही है। वहाँ से लिया गाइस, बारिश आ गई बहुत तेज, यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना बैग वैग फोन उन सब गीला हो जाएगा। मेरे को लग ही रहा था बारिश है। मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत ठंडा हो रहा है भाई, बहुत ठंड लग रही है। सीधा डोसा खाना है, रेस्टोरेंट में चलता है, शायद वाली बारिश तो रुकेगी भी नहीं मेरे को लगता है। If you want to have like pure veg food, South Indian or Jain food, तो उड़ीपी गार्डन इज दी बेस्ट पॉइंट। ये मुझे वुडपेकर स्टेट के जो भैया थे उन्होंने ही रिकमेंड करा था, तो मैं अभी अंदर जाके टेस्ट बताती हूँ कैसा है, ऑर्डर करती हूँ। बहुत भूख लग रही है, सुबह से आई जस्ट हैव वन ब्रेकफास्ट, नाउ इट्स द लाइक टाइम टू हैव लंच डिनर बोथ एट द सेम टाइम। अभी खाते हैं, बहुत भूख लग रहा है, चलो चलते हैं। सो मैंने अभी ऑर्डर करा इडली वड़ा का प्लेट सिंगल सिंगल, लेट्स सी कैसा आता है। डोसा ऑर्डर करने में थोड़ा सा डर लग रहा है, बिकॉज इट कैन बी लाइक इन कोकोनट ऑयल, तो पता नहीं कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, बट अगर भूख लगेगा तो मैं डोसा भी फिर से ऑर्डर करूँगा। सो गाइस फाइनली मेरा इडली एंड वड़ा आ गया है विथ चटनी एंड सांबर नॉट डिप्ड। मैंने मना कर दिया था, उन्होंने मुझसे पूछा था, तो लेट्स ट्राई कैसा है। इट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट बिल राइट नाउ जो मैं अभी पे करूँगी, दैट इज़ 75 रुपीज़ फॉर कॉफ़ी एंड इडली वड़ा।